अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं ब्रांड न्यू पबजी वीडियो के साथ। और भाई ये ट्रेनिंग के ऊपर है आज। और आप कैसे अपना एम स्प्रे मूवमेंट प्लस एम अच्छा कर सकते हैं, तो भाई इसके ऊपर गाइड वीडियो बनाई है मैंने ये। और जितने भाई मेरे से हो सका और जितना मुझे आता है तो मैं उतना गाइड करने की कोशिश करूंगा आपको, क्या कि आप भी अपनी गेम इम्प्रूव कर सको। चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। और भाई यहाँ पे रेड रोड से मेरा स्प्रे चेक कर लें ग्रोजा पे, और तकरीबन ये है 150 मीटर्स के अराउंड होगा। और यहाँ पे स्प्रे चेक कर लें, थोड़ा बहुत रिकॉइल तो होता है फ्लेयर क्लियर में। और यहाँ भाई देख चेक कर सकते हैं आपकी अच्छी किस्म का मैंने स्प्रे दिया। 3x ग्रोजा भी चेक कर लें, नॉर्मल है, मूवमेंट के साथ दे रहा हूँ, ज़बरदस्त है बिल्कुल मेरे हिसाब से तो। और इतनी 17 गन पे भी इतना रिकॉइल कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है। ग्रोजा पे 3x चला रहा था, अब मैं यहाँ पे चलाऊंगा फुल 6x। और 6x का भी देख लो भैया आप, नॉर्मल ही है बिल्कुल, कोई इतना खास नहीं है, और लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। तो कोई 4x से भी चेक कर लें, वो भी बहुत बेहतरीन स्प्रे है। और यार चैनल वैनल पे जब आते हो तो भाई लाइक वाइक भी कर दिया करो, वीडियो देख के चले जाते हो, ये गलत करते हो यार, सब्सक्राइब भी पेल दिया करो। खैर भाई अब हम आ गए हैं अपनी बैरल की तरफ, जो कि यू नो आजकल सब बैरल 6x वगैरह भी चलाते हैं, बेहतरीन गन है और वाकई में बहुत अच्छी गन है। देख लो बैरल इसमें थोड़ा सा ये कि ना ऐसा वर्टिकल अब ना जंप करता है जैसे इसका एकदम शरीर, लेकिन ग्रोसो में ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा है थोड़ा रिकॉयल वगैरह शायद। तो इसमें हालांकि देख लें सिर्फ कोई भी अटैचमेंट नहीं लगी हुई, जितनी भी वीडियो बन रही किसी में गन में कोई अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ मैग लगा हुआ है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। और जो लोग ये करके बनाते हैं भाई अटैचमेंट सारी लगा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं कि भाई देखो जीरो रिकॉइल, वो गलत गाइड कर रहे हैं, बिल्कुल गलत वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि भाई पहले आप यहाँ पे स्प्रे सेट कर लें, क्योंकि उतरते के साथ आपको सारी चीज़ें नहीं मिल जाती। तो आई होप सो भैया आप लोग समझ गए होंगे। खैर मैं यहाँ पे अपनी भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी हद तक, क्योंकि भाई ये बहुत काम आती है ये चीज़ वाली मूवमेंट। तो मैं अभी फिलहाल प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने लिए भी, और सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। तो आजकल मेरी थोड़ी इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस चल रही है, इम्प्रूव करने की ट्राई कर रहा हूँ मैं ये क्विक वाला भी। और इन्हें ये बहुत काम आता है आजकल, क्योंकि देखिए सबको आजकल माशाल्लाह सब बहुत अच्छा खेलना आ गया, हर कोई अच्छे अच्छे हैवी हैवी क्लच करने लग गया है। तो भाई अब ऐसे खेलना बहुत ज़रूरी है, फ़ौरन मार के कवर में जाना, तो नहीं तो ये काम ख़राब हो जाता है आजकल। तो भाई बंदे स्क्वाड आपके ऊपर घुस जाए तो ऐसे ही खेलना होगा आपने, नहीं तो आपका 1v4 तो भाई बहुत ही हार्ड है आजकल। तुक्का लग जाए तो लग जाए, नहीं तो आजकल हर बंदे को खेलना आ गया। और 1v3 1v4 वाला जो है ना कंटेंट पुराना हो चुका है, लेकिन ये कि जो नहीं कर पाते उनको पता होगा, उनको अफसोस होता होगा यार हमसे नहीं होता ये वो। खैर यार वीडियो को मैं आगे करता हूँ, उन्हें दिखाता हूँ कि आपको अपना एम कैसे अच्छा करना है। यहाँ पे ट्रेनिंग में आ जाना है, उसको तीसरे वाले डिफॉल्टी पे कर देना है, और फिर आ जाना है क्या कि आपका एम इम्प्रूव हो क्लोज रेंज में। आप 1v1 तो बहुत ही ईजिली करोगे, ये देखो बस इसी। यहाँ पे आपके ऐसे ऐसे मूवमेंट के साथ एम कैसे करना है, और हेड पे ही ये मरेंगे, क्योंकि ये थर्ड वाले पे जो सिर्फ हेड कनेक्ट होंगे तो काउंट होगा, नहीं तो वो बंदा नहीं मरेगा। और ये देखो पी के फायर स्कोप में ऐसे नहीं करता, ये देखो कितना फ़ायदा है इसका, मैं फॉरेन कवर में जाके ये भी देख सकता हूँ मेरे पास आ गया वो भी। ये देखो ये भाई बहुत ही जो है ना जंप एंड शूट ट्राई कर रहा था, वही स्किल्स वाले बोर्ड आते हैं इसमें भी, कैजुअल ट्रेनिंग के लिए देते हैं। देखो यहाँ पे मैं बैरल 3x कैसे फॉरेन देते हुए कवर में चला गया और वो मर गया। इसी तरह आप लोगों ने भी यही करना है कि अपने इम्प्रूव करने के लिए कवर फाइट और ये कवर फायर देना बहुत ज़रूरी है। इस तरह इन नो के फौरन, अब देखना है इसको भी देखना कैसे देता हूँ मैं। आप बोलोगे यार ये तो ऐसे बॉर्ड हैं ट्रेनिंग के लिए दिए हैं, लेकिन यही से ही आपकी प्रैक्टिस होगी, तो यहीं पे आके इस तरह प्रैक्टिस किया करो तो आपका हाथ वाथ सेट होगा। और प्लस ये देखो ये वाला, अब यहाँ मैं इसलिए छोड़ कर ये दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि एम इम्प्रूव है मेरा माशाल्लाह बहुत, इतनी रेंज में तो मैं क्रॉस से ऐसे ही मार देता हूँ बंदे को। तो इतना सबका होना चाहिए कि यार ये नहीं कि इतनी क्लोज रेंज में बंदा स्कोप खोल के बैठ जाए। तो चेक कर लो बाकी भाई आपका रिकॉल और रिकॉयल वगैरह और सब चीज़ें चेक कर लो कि कैसे स्प्रे ट्रांसफर वगैरह भी। भाई यार मैं आपके साथ में अपनी सेंसिटिविटी भी शेयर करूँगा, और मैं खेलता हूँ यार पोको X3 Pro के ऊपर, अच्छी राइज है माशाला से बेहतर है, लेकिन अभी गर्मी है तो थोड़ा हीटअप कर जाती है, तो कभी कभार लैग देखने को मिल जाता है।
यार वैसे चल रहा है। और कौन सी डिवाइस है वैसे तो इस बजट के अंदर और गेमिंग डिवाइस के अंदर ये बीस्ट है। अभी देखा जाए तो बाकी डिवाइसेस बहुत लैग मारती है मैंने देखा। और ये मैं कर रहा था भाई, ये देखो तकरियाँ भाई तकरियाँ करने लग गया था उसमें भी। एम देख लो 3 बोर्ड मैंने मतलब इस तरह की ट्रेनिंग गिरा दी है। ओके यार वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड, और मैं आपके साथ अपनी सेंसिटिविटी वगैरह शेयर कर देता हूँ कि क्या मेरी सेंसी वगैरह है, तो सारी चेक कर लेना यार किस तरह है भाई। ये हमारी आ गई है करंट जो है, और ये है हमारा स्क्रीन। जो आपको बेहतर लगे वो कर लेना, और देख लो एडजस्ट वगैरह अपने हिसाब से कर लिया करो तो ADS देख लो। और भाई जब आपका रिकॉइल कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपने सेंसिटिविटी बढ़ानी है, और कोई भी रिकॉइल नीचे की तरफ नहीं जाता, गन कोई भी नीचे नहीं जाती तो ऊपर ही जाती, तो आपने सेंसी बढ़ानी होती है अपने हिसाब से। बाकी लेफ्ट राइट के लिए आपने जो है वो यूज़ करना है स्क्रीन को, तो उसमें एडजस्ट करना है थोड़ा बस, बाकी इंशाल्लाह सेट हो जाएगा आपका हाथ भी। और ये सेंसिटिविटी है जायरो की तो, और ये फायरिंग प्लस जायरो है, तो यही है आज की वीडियो का टॉपिक था। मैं चलो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और यार चैनल वैनल पे नया तो सब्सक्राइब स्क्राइब कर लेना। ओके अल्लाह हाफिज़, और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना।